सो हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, कैसे हो सभी। आई होप सब मेरे भाई मस्त होंगे। सो गाइज, आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फिर से एक मतलब न्यू ईयर 2024 के लिए फोटो को यहां पर एडिट करना सिखाने वाला हूं, जो कि आप लोग हमारा फोटो यहां पर देख ही सकते हो कितना मस्त मस्त पीएनजी मैंने इस वाले फोटो के अंदर ऐड किया है। तो अगर आप सब भी चाहते हो न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर इस तरह का फोटो को एडिट करना सीखना, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहिएगा। एंड वीडियो का एक भी पार्ट पसंद आता है आप लोग को, तो इस वाले वीडियो को आप लोग 1 लाइक एंड जरा चैनल को सब्सक्राइब के बेल नोटिफिकेशन को आप लोग जरूर ऑन पे कर देना। तो चले बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके सो गाइस, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को जिस फोटो को एडिट करना है उस वाले फोटो को यार पिक्सआर्ट ऐप के अंदर ओपन कर लेना। एंड अगर आप लोग को न्यू ईयर के ऊपर अलग से मतलब बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, आप वहाँ से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेल मतलब अपने फोटो को यहाँ पर ओपन करने के बाद सबसे पहले गाइज आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इफेक्ट वाला ऑप्शन पर आप लोग को एक बार टैप करना है इस तरह से। एंड यहाँ पर आप लोग क्या करना है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला इफेक्ट को सिलेक्ट करना है इस तरह से। एंड फर्स्ट वाला इफेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर इरेजर ब्रश के ऑप्शन पर टैप करके दोनों फिंगर से फोटो को आप लोग को जूम करके अपने स्किन पर से इस वाला इफेक्ट को यहाँ पर रिमूव करना है। लाइक कुछ इस तरह देख सकते हो यहाँ पर। एंड अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, सिंपली इसको राइट क्लिक कर लेना है इस तरह से। तो इतना काम करने के बाद अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, सिंपली टूल्स वाले ऑप्शन पर आप लोग को एक बार टैप करना है ये वाला आइकॉन पर। तो यहाँ पर आप लोग को कर्व के नाम से एक टूल देखने को मिलता है, मार्क करके दिखलाता हूँ। तो इस वाले टूल पर आप लोग क्लिक करना है, तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन खुल के आएगा। तो यहाँ पर जो मतलब कलर का एक ऑप्शन है, तो इस वाले कलर के ऑप्शन पर टैप करना है। एंड नीचे में आप लोग को स्काई ब्लू के नाम से कलर देखने को मिलेगा, तो इस वाले कलर को आप लोग को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर जो ये लाइन है, इस वाले लाइन को आप लोग को बीच में बस टैच मतलब टैप करना है इस तरह से। एंड इस वाले लाइन को आप लोग को ऊपर की ओर करना है, बस ऊपर की ओर हल्का सा ही करना है। एंड अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर अपने फेस पर से इस वाला इफेक्ट को रिमूव भी कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो, या तो नहीं भी रिमूव कर सकते हो। एंड मेरे भाई अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसको राइट क्लिक कर लेना है इस तरह से। तो अब बारी है यहाँ पर अपने बैकग्राउंड के अंदर पीएनजी वगैरह को ऐड करना। तो पीएनजी को ऐड करने के लिए बस यहाँ पर क्या करना है, ऐड फोटो वाले आइकॉन पर टैप करना है, और सबसे पहले क्या करना है, एक मतलब लाइट की पीएनजी को ऐड करना है। तो आप लोग को यहाँ पर इस वाले लाइट की पीएनजी को ऐड करना है, और इसको आप लोग को फुल जूम करना है इस तरह से। एंड यहाँ पर इसके ब्लेंडिंग को आप लोग को स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर कर देना है, और इसको आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज करके सिंपली यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर लीजिएगा। दोबारा से यहाँ पर क्या करना है, ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करना है। एंड इस बार यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डेकोरेशन की पीएनजी को ऐड करना है, जो कि हम लोग ऊपर की साइड यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो आप इस वाले डेकोरेशन यानी कि स्टार वाले पीएनजी को ऐड कर लीजिएगा, और इसको भी आप लोग फुल जूम कर लीजिएगा इस तरह से। ये मतलब ऑटोमेटिकली ऊपर की एरिया में एडजस्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर इसको राइट क्लिक करना है। इतना काम करने के बाद अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, फिर से मतलब ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करना है, और इस बार यहाँ पर क्या करना है, एक मतलब क्रैकर्स की पीएनजी को ऐड करना है। तो इस वाले क्रैकर्स की पीएनजी को आप लोग को यहाँ पर ऐड करना है, और इसको बस हल्का सा जूम करके अपने मतलब फेस के बीचों बीच यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करना है। और यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, इरेजर ब्रश के ऑप्शन पर टैप करके इस तरह से जो भी मतलब एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर आता है उसको आप लोग इस तरह से रिमूव कर सकते हो, ताकि ये ऐसा लगे कि हमारे मतलब पीछे यहाँ पर ये लगा है इस तरह से। एंड अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, सिंपली इसको राइट क्लिक कर लेना है इस तरह से। इतना काम करने के बाद अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, दोबारा से ऐड फोटो के आइकॉन पर टैप करना है इस तरह से। एंड यहाँ पर आप लोग क्या करना है, 2024 टेक्स्ट की पीएनजी को ऐड करना है, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर टेक्स्ट पीएनजी को। तो मेरे भाई आप लोग को इस वाले टेक्स्ट की पीएनजी को ऐड करना है, और इसको आप लोग को जूम करके यहाँ पर इस तरह से इसको लगा देना है। ये मतलब अपने हिसाब से लग जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर, इसको अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो थोड़ा बहुत। एंड अब सिंपली यहाँ पर इसको राइट क्लिक करना है इस तरह से। दोबारा से ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करता हूँ, और इस बार यहाँ पर क्या करता हूँ, फिर से एक क्रैकर्स की पीएनजी को ऐड करता हूँ, जो कि इस बार अलग टाइप का होने वाला है।
तो इस बार इस वाले क्रैकर्स के पीएनजी को ऐड करेंगे और इसको यहाँ पर जूम करके दोनों साइड यहाँ पर अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर देंगे। दोबारा से ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करता हूँ और इस बार यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और मतलब पीएनजी को ऐड करता हूँ। तो इस बार हम लोग इस वाले पीएनजी को ऐड किए हैं और इसको क्या करता हूँ, जूम वगैरह करके इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर इसको इस तरह से रख के यहाँ पर इसको राइट क्लिक करता हूँ। फिर से ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करता हूँ और इस बार यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और पीएनजी को ऐड करता हूँ। तो इस बार आप लोग को यहाँ पर इस वाले पीएनजी को ऐड करना है और इसको नीचे की साइड यहाँ पर एडजस्ट करना है और इसके ब्लेंडिंग को आप लोग को मल्टीपल पर यहाँ पर कर देना है या आप लोग लाइटन पर भी कर सकते हो। तो आप इसको यहाँ पर लाइटन के ऊपर करके सिंपली डन कर दीजिएगा। अगेन ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करता हूँ एंड यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मतलब लाइट की पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। तो इस वाले लाइट की पीएनजी को ऐड करेंगे और इसके ब्लेंडिंग को यानी कि स्क्रीन के ऊपर कर देंगे इस तरह से एंड यहाँ पर इसको जूम आउट करके दोनों क्रैकर्स के ऊपर यहाँ पर एडजस्ट करेंगे ताकि ये ऐसा लगे कि ये मतलब ग्लो हो रहा है हल्का सा इस तरह से। तो मैं यहाँ पर डुप्लीकेट करके दूसरे क्रैकर्स पर भी एडजस्ट कर लेता हूँ एंड अब सिंपली यहाँ पर इसको राइट क्लिक करता हूँ। तो फोटो यहाँ बन के रेडी हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हो। बच गया अपने फोटो में थोड़ा बहुत कलर को यहाँ पर ऐड करना। तो कलर को ऐड करने के लिए यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को इफेक्ट के आइकॉन पर टैप करना है एंड यहाँ पर सिंपल वाला इफेक्ट को सिलेक्ट करना है आप लोग को और इसको आप लोग को सबसे लास्ट में यहाँ पर करना है इस तरह से। एंड अगर आप लोग चाहो तो ये वाला इफेक्ट को भी अप्लाई कर सकते हो, CLN1 के नाम से रहेगा। तो मैं यहाँ पर यही वाला इफेक्ट को अप्लाई किया हूँ क्योंकि देख सकते हो कितना फोटो अब मस्त लग रहा है ये वाला इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद। और इसके फेड को थोड़ा बहुत माइनस स्कोर करके यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ। बाकी अगर आप लोग चाहते हो फेस को स्मूथ एंड वाइट करना तो आप लोग ऑटो स्केचबुक एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो यानी कि पेंसिल वाला ऐप को। तो फोटो को अब सेव करने के लिए सिंपली क्या करना है, ड्रॉ टूल के आइकॉन पर टैप करना है और फोटो को सेव कर लेना है इस तरह से। और फोटो को HD के अंदर बनाने के लिए रेमनी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर लेना।